चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर थ्री एजुकेशन में। देखिए हम लोग आज यहाँ पर जो करने वाले हैं एमपीटेट यानी कि ग्रेड वन ग्रेड टू की जो आपकी वैकेंसी आने वाली है अप्रैल 2023 में जैसा कि तय हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। मैथ्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। जो लोग वर्ग दो की तैयारी करने वाले हैं, स्पेशल जो ग्रेड टू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लासेस अभी से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अभी से हम लोग पढ़ेंगे तब जाकर के कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। तो ये हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। जैसे मैथ्स के हम लोग टॉपिक कुछ कर ही रहे हैं, साथ साथ आपके सारे टॉपिक जो हैं वो ऐप के अंदर स्टार्ट हो गए हैं, और हम लोग यूट्यूब पे भी हम लोग जो है इस तरीके से अब शुरू कर रहे हैं। जैसे मैथ्स पेडागोजी की क्लासेस हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं 100 क्वेश्चन की सीरीज को, जिसको हम बहुत डिटेल से एमसीक्यू सीरीज होगी आपकी, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो है एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 100 क्वेश्चन की आज क्लास नंबर 1 है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस तरीके से क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसे आप लोग पढ़िएगा, खुद का आंसर आप लोग सॉल्व करिएगा और खुद का आंसर लगाइएगा कि इन चार में से आपका आंसर क्या आ रहा है। जब मैं आंसर को बता दूं उसके बाद आप चेक करिएगा कि आपके कितने नंबर आते हैं। आज चाहे कितने भी क्वेश्चन हो, जैसे 20 क्वेश्चन होंगे, खूब से खूब हम 20 क्वेश्चन आज करेंगे, तो आप ये चेक करिएगा कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं, ये आप लोगों को चेक करना है। जैसे सबसे पहले आपको लिखा हुआ है निम्नलिखित में से आगमन विधि का सही क्रम चुनिए। आगमन विधि आप सभी जानते हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, खेल विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि, खोज विधि, ये सारी विधियां हम लोगों ने वैसे भी आपके कोर्स में पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग वैसे भी ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसी अगर आपका ये क्वेश्चन बनता है कि आगमन विधि का सही क्रम आप चुनिए, तो आप कैसे यहां पर करेक्ट आंसर करेंगे। जैसे पहले है सामान्यीकरण, दूसरी चीज है अवलोकन, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण और परीक्षण एवं जांच, ये चार चीजें हैं, इनका क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि जिस क्रम में ये दे रखे हैं यही क्रम है आगमन विधि का। यानी कि सबसे पहले सामान्यीकरण होना चाहिए, उसके बाद अवलोकन होना चाहिए, उसके बाद उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, या उसके बाद परीक्षण एवं जांच। फिर दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि पहला फिर तीसरा, यानी कि सबसे पहले सामान्यीकरण फिर उसके बाद उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, या फिर चौथा तीसरा ऑप्शन है तीसरा दूसरा, यानी कि तीसरा सबसे पहले उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, उसके बाद अवलोकन, उसके बाद पहला यानी कि सामान्यीकरण, फिर उसके बाद चौथा आता है परीक्षण एवं जांच। तो बताइएगा कौन सा आंसर आपका बनेगा, या चौथा ऑप्शन कि तीसरा सबसे पहले, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो आप इस हिसाब से सही करिएगा कि क्या आंसर आप सभी दोस्तों का बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आगमन विधि जो है, सबसे पहले उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण होगा, यानी कि तीसरा पॉइंट सबसे पहले, जो कि आपको केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है कि उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण सबसे पहले होगा। आगमन विधि में उदाहरण से हम लोग नियम की तरफ चलते हैं, तो उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण फिर होगा, उसके बाद सेकंड सेकंड आएगा अवलोकन, यानी कि उनका अवलोकन होगा। अवलोकन का मतलब आप समझिए, उनको क्लासिफाई करना है, उनका विश्लेषण करना है, वो अवलोकन होता है। उसके बाद हो रहा है सामान्यीकरण, यानी कि जनरलाइजेशन होता है, सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की, उसको उसकी सामान्य परिस्थिति से आप लोग उसको बराबर करेंगे, तो सामान्यीकरण होगा। फिर उसके बाद सबसे लास्ट स्टेज जो आती है वो है परीक्षण एवं जांच। तो आगमन विधि का सही क्रम क्या होगा, तो सही क्रम ये होगा कि सबसे पहले पहला क्रम होगा, ये पहला क्रम होगा आपका उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, उसके बाद दूसरा जो क्रम होगा है ना आपका अवलोकन होगा, ये दूसरा क्रम हो जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा होगा सामान्यीकरण, और चौथा और सबसे लास्ट जो क्रम है वो है परीक्षण एवं जांच, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ठीक है। आपकी जो एग्जाम आएगी, जैसे हम लोग वर्ग दो की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं संविदा शिक्षक वर्ग दो, और उसमें भी हम लोग केवल मैथ्स का अभी फिलहाल हम लोगों ने स्टार्ट किया है, क्योंकि अब मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो मैथ्स मैंने वर्ग तीन में भी बहुत अच्छे से आपको 2 साल तक वर्ग तीन में मैथ्स पढ़ाई है, और वर्ग तीन में बहुत सारे दोस्त सिलेक्ट है, ऐसे दोस्त हैं अपने यहाँ से जिनकी 56वीं रैंक है ना ऑल इंडिया में, ठीक है, ऑल एमपी में, सॉरी ऑल एमपी में 56वीं रैंक है, 37वीं रैंक है, और 100 के अंदर बहुत सारी रैंक वाले अपने यहीं से हैं, और बहुत सारे दोस्त क्वालिफाइड है, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि वर्ग दो की तैयारी भी हम लोग अभी से शुरू कर दें। जितने दोस्त ऐसे हैं जो वर्ग दो के लिए मैथ्स सब्जेक्ट चुन रहे हैं, उनके लिए मैथ्स अभी से हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। उसका कोर्स भी आपके ऐप में स्टार्ट हो गया है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहां पर एक मिनट, मैथ्स स्पेशल के लिए 60 नंबर जो आपकी मैथ्स आएगी, वर्ग दो में जो 60 नंबर की मैथ्स आएगी, उसमें आप लोगों का पूरा
45 अंक की तो अंक गणित रहने वाली है, जिसमें आपका एलजेब्रा वगैरह सारे चैप्टर जो पूरे सिलेबस में दिए हैं वो, और 15 अंक की जरूर आपकी ये रहेगी, 15 अंक की क्या रहेगी, पेडागोजी रहेगी, यानी शिक्षण शास्त्र रहेगा। तो ये 60 नंबर का पेपर आपका रहेगा, है ना, मैथ्स का। उसके अलावा तो सबके कॉमन जो 30 नंबर का बाल विकास आना है वो आपके भी आना है, 30 नंबर की हिंदी आएगी वो सबके आएगी, और 30 नंबर का सेकंड लैंग्वेज आप जो भी लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, संस्कृत लेते हैं, जो भी आप लेते हैं, ऐसे करके पूरा 150 नंबर का पेपर आपका होगा। तो जो लोग मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऐप में, लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करिएगा, उस ऐप के अंदर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है और डेली क्लासेस की आप लिंक आप तक नहीं पहुंचती है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं 9893800651 पे, आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर दीजिएगा, उसमें अपना नाम और वर्ग दो मैथ्स लिख दीजिएगा, वर्ग दो मैथ्स लिख दीजिएगा, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ लें, और साथ ही साथ रोजाना ये जो क्लासेस होती है यूट्यूब पे फ्री वो आप लोगों को मिला करें। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखा के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है, तो उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग की है, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि। देखो व्याख्यान विधि की अगर मैं बात करूं दोस्तों, है ना, व्याख्यान विधि की बात करूं तो व्याख्यान विधि आपकी जो है केवल लेक्चर बेस्ड है, इसमें कुछ सिखाने का नहीं है। व्याख्यान विधि यूं मान के चलिए कि व्याख्यान का मतलब क्या होता है, व्याख्यान करना, किसी चीज का व्याख्यान करते हैं, जैसे हम लोग उसको बताते हैं, बस जनरली बोलकर बताया जाता है, वो व्याख्यान विधि होती है। जैसे ये जो व्याख्यान विधि है ये 11th 12th के बच्चों के लिए, जहां पर केवल पढ़ाया जाता है, केवल किताब पढ़ दी जाती है। जैसे मान लो मैं व्याख्यान विधि के तहत आपको पढ़ाऊं, तो मान लो एक ये पेज है ना, इस पेज को मैंने लिया और मैंने पढ़ना शुरू किया कि महात्मा गांधी जो थे उनका जन्म 2 अक्टूबर है ना इस तारीख को हुआ था, ये चीजें अगर मैं पढ़ाना शुरू कर दूं तो वो व्याख्यान विधि कहलाती है। तो ये 4 त्रिभुज को खींचा जाए ये व्याख्यान विधि में आ ही नहीं सकता, है ना, तो ये ऑप्शन तो अपना कट हो गया। आगमन निगमन भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर प्रयोगशाला विधि होगा, यानी कि एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल रूप में वो पढ़ा रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ प्रयोगशाला, मतलब यहाँ पर कुछ चीजें वितरित की जा रही है उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, तो ये आपकी प्रयोगशाला विधि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। ये नहीं शब्द बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं शब्द आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी नहीं नजर नहीं आता है हमको, तो हम लोग ऐसा कर बैठते हैं जैसे बच्चे क्या सीखते हैं, क्या आकलन करना चाहिए, तर्क कौशल का विकास, गणितीय अवधारणा को समझाना, गणितीय भाषा का विकास, या गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। तो प्राथमिक कक्षा में तो आपकी सटीकता जरूरी नहीं है, वहां पर तर्क कौशल का विकास जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है, वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी, मतलब वो हल तो उसका कर रही थी, परिमाप उससे पूछा तो उसने बता दिया कि हाँ परिमाप 25 सेंटीमीटर है या कुछ भी संख्या उसने दे दी, लेकिन वो व्याख्या करने में थोड़ी सक्षम नहीं थी, वो व्याख्या करने में बताने में ठीक नहीं थी, उसकी व्याख्या नहीं कर पा रही थी। तो वह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है कि शैलजा जो है वो कम आत्मविश्वास स्तर और कम गणितीय कौशल है उसका। दूसरा ऑप्शन परिमाप के संपत्ति की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, ये, या तीसरा वाला कि निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय कौशल, यहाँ पर लिखना था निम्न स्तरीय गणितीय कौशल लिखना था, या निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। तो बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा, आप इस सिचुएशन के अनुसार जो शैलजा है उसके बारे में क्या निष्कर्ष आप निकालते हैं कि शैलजा को आकृति की परिमाप के बारे में पूछा गया तो वो उस हल को अपने शब्दों में बताने को कहती है, शैलजा समस्या का समाधान हल करने में सक्षम थी, तो यहाँ पर आप इन ऑप्शन को काटिए। अगर वो हल करने में सक्षम थी तो कम गणितीय कौशल तो नहीं है, गणितीय कौशल तो ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। परिमाप के संपत्ति की कम समझ, परिमाप के कम समझ है, अच्छी मौखिक योग्यता, वो व्याख्या करने में सक्षम ही नहीं थी तो अच्छी मौखिक योग्यता कहां से आ जाएगी, और परिमाप की कम समझ होती तो आंसर कैसे आता,
तो ये गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए कि निम्न स्तरीय भाषा प्रवणता और निम्न स्तरीय भाषा प्रवणता है लेकिन निम्न स्तरीय गणित कौशल नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि निम्न स्तरीय भाषा प्रवणता यानी कि व्याख्या करने में सक्षम नहीं है, इसलिए निम्न स्तर की मतलब कम स्तर है भाषा प्रवणता में, उसका कम स्तर है, लेकिन उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता है, मतलब उच्च स्तर की उसकी गणितीय प्रवीणता होगी दोस्तों। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या दोस्तों? तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 की नजर डालिएगा। गणित की भाषा में निम्नलिखित किसका प्रयोग नहीं किया जाता? गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग जवाब दीजिएगा, क्या जवाब आपका आ रहा है। हालांकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, हम लोग अगर है ना धीरे धीरे आपकी जो संख्या है या उस तरीके से बढ़ेगी तो हम लोग वर्ग 2 की स्पेशल क्लास भी शुरू कर देंगे। उसके लिए आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों और शेयर भी करिएगा। वर्ग 2 की स्पेशल क्लास यूट्यूब पर आपकी शुरू, ऐप में तो चली रही है, ऐप में तो क्लासेस स्टार्ट हो गई है, 15 दिन हो गए हैं, ठीक है। वहां पर तो रेगुलर वीडियोज आ रहे हैं और जो दोस्त हैं वो पढ़ रहे हैं, रोजाना उनकी क्लासेस आ रही है, वो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं कि बिल्कुल सिक्वेंस में है ना, तो वो तो चल ही रहा है। लेकिन YouTube पे भी जितने दोस्त हैं है ना, वैसे भी कोर्स इतना महंगा भी नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारे दोस्त YouTube पे पढ़ने के आदी हैं, तो YouTube पे भी एक रेगुलर क्लास हो जाए उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर कर लेते हैं, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन का प्रयोग तो सबका प्रयोग होता है ना, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि समस्या समाधान पद्धति है। समस्या समाधान पद्धति क्या है? पहला ऑप्शन है आपका कि गणित के विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना, ये समस्या समाधान पद्धति है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को खुली समझ वाला बनाते हुए उनमें गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मकता और खोज परक गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मकता और खोज परक चिंतन विकसित करना, या ऑप्शन नंबर सी है गणितीय बोध, भाव, विचारों और तकनीकों को पदानुक्रमिता और माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश, और चौथा ऑप्शन है पुनरावर्ती स्मरण के द्वारा गणितीय निष्कर्षों, परिभाषाओं और संकल्पनाओं को पढ़ाना। तो समस्या समाधान पद्धति कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है कि विद्यार्थियों को खुली समझ वाला बनाते हुए उनमें गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। देखो समस्या समाधान पद्धति में होता क्या है, एक समस्या दी जाती है उसका समाधान ढूंढने के लिए व्यक्ति जो है क्रिएटिव होता है ना, खोज परक गणितीय प्रवीणता और सृजनात्मक और खोज परक अन्वेषणात्मक चिंतन विकसित करना। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसके अलावा मैंने बताई दिया है जो दोस्त चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि संविदा वर्ग 2 इसमें मेन सब्जेक्ट 7 नंबर का मैथ्स आएगा, तो आपको मैथ्स कहीं से भी कितना भी पूछ सकता है। तो इस वाले कोर्स में मैंने अभी तक जितनी भी मैथ्स पढ़ाई है, चाहे मैं व्यापम के लेवल की जितनी भी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, चाहे कॉन्स्टेबल में, MPSI में, पटवारी में, या जितनी पढ़ा रहा हूँ, उनसे बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल इसमें रहने वाला है, क्योंकि वो सब कुछ तो इसमें आ ही सकता है। मतलब जो पटवारी में आएगा, जो वर्ग 3 में आया था या जो कॉन्स्टेबल में आया था, वो सब कुछ तो इसमें आ ही सकता है, वो सब तो हम इसमें इंक्लूड करेंगे ही सही है ना। इसमें वो चैप्टर भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, हम सिलेबस के अनुसार तो पढ़ेंगे ही सही, साथ ही साथ सिलेबस के बाहर के जो टॉपिक है वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो इस वाले जो ये जो कोर्स होगा इसमें आपको कम से कम 200 तो वीडियो पढ़ना ही पड़ेंगे, मतलब 200 वीडियो से तो ज़्यादा ही इसमें रहेंगे, क्योंकि 200 वीडियो जो है मतलब 200 घंटे की क्लास से और ज़्यादा क्लास होगी, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत वास्ट है और ये परीक्षा जो आएगी उसके लिए हमको अभी से तैयारी करना पड़ेगी। तो जो दोस्त जुड़ना चाहते हैं, जो पहले भी मुझसे पढ़े हैं, बहुत सारे दोस्त वर्ग 3 में पढ़े हैं, उनको पता है किस तरीके से पढ़ाते हैं और किस तरीके, जिनको नहीं पता है वो डेमो देख सकते हैं। इस ऐप में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर कुछ क्लासेस आपकी ओपन है, तो आप वो क्लासेस पढ़िएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज यूट्यूब पर आपकी क्लासेस चल रही है ये आप लोग जरूर कंटिन्यू करें, ठीक है। चलिए तो ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज आप लोग कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिएगा कि बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? समूह बनाना, एक एक संगतता, क्रमबद्धता, या संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि एक एक संगतता जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 8 पे नजर डालिएगा कि गणितीय कौशलों का विकास निम्न में से किस विधि द्वारा सबसे उपयुक्त है। गणितीय कौशल का विकास जो है निम्न में से किस विधि द्वारा उपयुक्त है, कि कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके या संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करके अधिक से अधिक अभ्यास करना, या केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, या केवल एल्गोरिथम। तो केवल जो वर्ड आ रहा है, देखो बात समझना कि सबसे उपयुक्त लाने के लिए हम ये केवल वर्ड को तो कैंसिल करेंगे। केवल जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है, केवल जो है ये एक आप नकारात्मक शब्द है, ये किसी चीज को सीमित कर रहा है। ये जो केवल शब्द है ये किसी चीज को सीमित कर रहा है, इसलिए हम लोग इस शब्द को यहां पर हटाएंगे। तो आपके दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए कि केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर के हम गणितीय कौशल का विकास थोड़ी ना कर सकते हैं, केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके हम गणितीय कौशल का विकास थोड़ी ना कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। अब इन दोनों ऑप्शन में किस विधि द्वारा सबसे उपयुक्त है, तो गणितीय कौशल का विकास तब होगा जब कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, है ना। ये क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके गणितीय कौशल का विकास होगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस गणित शिक्षण विधि के प्रक्रिया किस शिक्षण विधि में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विश्लेषण विधि में, प्रयोगशाला विधि में, आगमन विधि में, या संश्लेषण विधि में। देखो जब हम लोगों ने वर्ग तीन में भी आप लोगों का वर्ग तीन में भी हम लोगों ने मैथ्स पेडागोजी पढ़ी थी, उसमें भी मैंने आपको सारी शिक्षण विधियां पढ़ाई थी। उसमें मैंने आपको दो शिक्षण विधियां पढ़ाई थी, जिनमें एक थी विश्लेषण विधि, एक थी आपकी विश्लेषण विधि, और एक थी संश्लेषण विधि। याद हो तो आपको मैंने चाय वाला एग्जाम्पल दिया था, जो दोस्त मुझसे पढ़े हैं पहले उनको पता होगा कि चाय वाला एग्जाम्पल दिया था, कि मैंने कहा जैसे दूध वाला एग्जाम्पल दिया था, चाय दूध का एग्जाम्पल हमने लिया था, कि दूध में से अलग अलग चीजें हम अगर बनाते हैं, जैसे दूध से आपकी छाछ भी बनती है, दही भी बनता है, घी भी बनता है ना, सारी चीजें, क्रीम भी बनता है, मक्खन बनता है, सारी चीजें। तो ये दूध को अलग अलग हिस्सों में तोड़ना ये विश्लेषण है, उसका डाइवर्सिफिकेशन है, विश्लेषण है। संश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग चीजों को मिलाना। फिर संश्लेषण में मैंने आपको चाय का एग्जाम्पल दिया था कि चाय कैसे बनाते हैं, दूध भी लेकर के आए, पत्ती लेकर के आए, पानी डाला, है ना, एक कप दूध डाल करके, है ना, एक भगोना आपने पानी डाल दिया, तो ऐसे जो है वो संश्लेषण होता है। फिर चाय की पत्ती, फिर है ना मेहमान भी देखना पड़ते हैं कि मेहमान किस साइड के हैं, है ना। अगर आपके घर मेहमान आए हैं तो चाय दो तरह की बनती है, आपको मैं बता दूं, चाय जो है वो दो प्रकार की बनती है। चाय, एक चाय होती है अपने इधर गोल्डन चाय, गोल्डन चाय अगर आपने सुना हो, नहीं सुना हो मैं बता दूं, गोल्डन चाय वो होती है जिसमें दूध की मात्रा ज्यादा होती है, दूध की मात्रा। ये कब बनती है गोल्डन चाय मैं बताऊंगा। एक और चाय होती है, एक गोल्डन होती है, एक होती है कड़क चाय, एक होती है कड़क, जिसमें दूध की मात्रा नहीं, पत्ती की मात्रा, चाय पत्ती जो है उसकी मात्रा ज्यादा रहती है। और गोल्डन चाय कब बनती है मैं बताता हूँ, गोल्डन चाय बनती है जब आपके मामा जी के परिवार से कोई आए, है ना, मामा जी की तरफ से कोई आए। और कड़क चाय कब बनती है मैं बताता हूँ, आपकी बुआ आ जाए मान लो, है ना, वो आप समझदार हैं, आपको पता है कि आपकी मम्मी जो है गोल्डन चाय कब बनाएगी, जब मामा जी इधर से कोई आएगा। और कड़क चाय तो बनती ही है जब बुआ आ जाए, है ना, जो अपने मम्मी को हालांकि कम ही पसंद है ना, तो वो वाली स्थिति है। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलाकर संयुक्त इकाई में प्रस्तुत किया जाए तो वो होता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है उनको मिलाया जा रहा है, और विश्लेषण का मतलब हो रहा है एक से अधिक भागों में तोड़ना, ठीक है, ये तोड़ना संश्लेषण, विश्लेषण मतलब तोड़ना और संश्लेषण मतलब जोड़ना। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, कुछ नया आप लोग सीख रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो यार, ठीक है, लाइक भी कर सकते हैं, क्लास को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि संबंधित है, तो ये आपका निगमन विधि से संबंधित है। चलिए 11 वाला क्वेश्चन देखिएगा। स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, स्वयं सीखने की विधि, खुद से सीखने की विधि किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो आपने एक नाम सुना होगा अन्वेषण विधि, है ना, इसको खोज विधि भी कहा जाता है, और इसका एक और नाम क्या था, देखो यार, खोज विधि, अन्वेषण विधि, और अभी
ह्यूरिस्टिक, हाँ ह्यूरिस्टिक विधि भी इसको कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति खुद से सीखता है। तो ये आपकी अन्वेषण विधि है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग, वैसे अभी थोड़ा क्लास का टाइम हो गया है ना सर का, तो मैं क्लास बना नहीं पाया। हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पर ही इसको लाइव पूरा सॉल्व करेंगे, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और आप में से जितने दोस्त इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं अभी से, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि सर वैकेंसी का कुछ भरोसा नहीं, आए आए नहीं भी आए, है ना। तो दोस्तों 2018 में आपकी वैकेंसी आई थी बिल्कुल, है ना, वर्ग एक और दो, और उनमें से बहुत सारे दोस्त लग गए हैं, और फिर उसकी काउंसलिंग चल रही है। जो वर्ग एक दो पास हैं, जिन्होंने क्वालिफाइड हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट एक बार और आप जमा करवाना, उसमें ऑनलाइन उसका हो रहा है, तो उसमें डबल काउंसलिंग हो रही है, तो आप उसमें करवाना। और वर्ग दो और वर्ग एक की वापस से वैकेंसी आएगी अप्रैल में, तो आप लोग उसके लिए अभी से तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें कि सर हम तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन होगा, फॉर्म भर के आएंगे वहां पर, उसके बाद घर आकर के किताब खोलेंगे कि क्या सिलेबस है, देखते हैं दिखे अब कुछ करेंगे जिंदगी में, तो उनका अलग है। बाकी जो लोग सीरियस है कि सर हमको किसी भी हालत में निकालना है, हम ऐसा नहीं कि अभी से नहीं पढ़ेंगे, तो डेली का 1-1 घंटा भी अगर आप लोग देते हैं, 1 घंटा भी अगर आप देते हैं, तो 3 से 4 महीने में, अभी आपका चल रहा है सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हैं। 6 महीने में अगर आप डेली 1 घंटा पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पर पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, जो आपके सारे सब्जेक्ट, मतलब जो आपके मैथ्स में जो सारे टॉपिक है, वो आपके 6 महीने में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और उसकी क्लासेस अभी 15 दिन पहले स्टार्ट हो चुकी है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मैथ्स स्पेशल, ये कोर्स स्टार्ट हो गया है अभी नवरात्रि में, इसमें ऑफर चल रहा है 499 में, ये पूरे साल के लिए, ये कोर्स जो है वो पूरे साल के लिए आपके पास रहेगा। तो जितने दोस्तों को पढ़ना है, वो अभी अपनी क्लास को शुरू कर दे और पढ़ना शुरू करें। ऐप के अंदर ही पेमेंट हो जाएगा, जो ऐप है लेयर 3 एजुकेशन ऐप है, उस ऐप के अंदर ही पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें आप ये वाला कोर्स देखिएगा, इस पर क्लिक करिएगा, वहीं बाय नाउ लिखा हुआ है, उस पर आपका पेमेंट हो जाएगा। इन केस अगर आप लोग पेमेंट नहीं कर सकते, किसी और से पेमेंट करवाना है, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9893800651, लेकिन पढ़ना शुरू कर दो। देखो मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप मेरे यहाँ नहीं, किसी और से पढ़ो या खुद से तैयारी करो, लेकिन जितने भी दोस्त सोच रहे हैं एग्जाम निकालने की, वो अभी से तैयारी करना शुरू कर दे। किसी से भी पढ़ो, नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे पढ़ रहे हैं या कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आखिरी में केवल एक बात काम आएगी, वो है सिलेक्शन हुआ क्या नहीं हुआ, आर या पार की लड़ाई है, ठीक है। तो आप लोग जो हैं, जो समझदार हैं, वो अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, अगर कुछ गलत हुआ हो तो मैं उसके जरूर सुधार करूंगा, और कुछ अच्छा लगा हो तो भी जरूर बताइएगा। और ये क्लास कंटिन्यू करना है, 100 क्वेश्चन करना है, तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।